यहाँ पर आपको एग्जांपल 18 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अभी तक एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लें, 1x1 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल 15, 16, 17 और 18 यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तीन एग्जाम्पल जो हैं 15 से लेकर 17 तक हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किए हैं कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल 18 ही सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, क्या गिवन है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा, सो दैट इफ एफ सच दैट ए टेंस टू वी एंड जी सच दैट वी टेंस टू सी आर 1, 1। फिर आगे क्या मांगा गया है हमसे, देन जी कंपोजिशन एफ सच दैट ए टेंस टू सी इज ऑल्सो 1, 1। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सो दैट, इसका मीन्स है आपको ये प्रूफ करना है जी कंपोजिशन एफ 1, 1 फंक्शन प्रूफ करना है। और इतना पोर्शन आपको गिविन है, इतना पोर्शन क्या है गिविन बताया है एग्जांपल 18 में। आपको जो प्रूफ करना है जी कंपोजिशन एफ जो है 1, 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले मैपिंग लिखना है और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ दो मैपिंग गिविन है। फंक्शन एफ में एक मैपिंग गिविन है और फंक्शन जी में एक मैपिंग गिविन है, फंक्शन की वैल्यू गिविन नहीं है। आपको हमने यही बताया था एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है तभी आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आएगी, ठीक है। और हम ये वादा करते हैं आपसे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल, और चैनल का नाम पता ही आपको, वाई फाई सक्सेस क्लासेस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे, जब आप तक पहुंच पाएंगे तभी आप पढ़ सकते हो। इसीलिए बोलते हैं इसी चैनल से जुड़े रहिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर आपको चैप्टर 1 ही पढ़ा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल 18, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में हमने यही बताया सबसे पहले क्या लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है मैपिंग तो सबसे पहले मैपिंग ही लिखना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज 1.3 का एग्जांपल 18 सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैपिंग गिविन है, तो आपको सबसे पहले मैपिंग ही लिखना है जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में हमने बताया था, ठीक है। तो इसका सॉल्व आप लोग देखो, यहाँ पर मैपिंग ही लिखना है सबसे पहले, द गिविन मैपिंग। तो आपको फंक्शन एफ और फंक्शन जी में दो मैपिंग लिख लेना है। यहाँ पे देखो एफ सच दैट ए टेंस टू वी, ठीक है, फिर एंड जी सच दैट वी टेंस टू सी, यहाँ पे बोल दिया गया आर 1, 1, ठीक है। तो ये तो गिविन है, आपको ये भी पता है कि जब 1, 1 फंक्शन आपको गिविन मिल जाए या आपको चेक करवाए कि फंक्शन 1, 1 है या नहीं है, तो आपको फार्मूला तो पता ही है f(x)1 = f(x)2, ठीक है, यही फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है गिविन दो मैपिंग है, दो मैपिंग के लिए आपको लिख देना है फार्मूला। देखो कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं, ये तो हमने एक्सरसाइज 1.2 में बताया था जब 1, 1 हम फंक्शन चेक करते थे या प्रूफ करते थे तो फार्मूला लगाते थे और लास्ट लाइन आपको पता है x1 = x2, फिर इसके बाद क्या लिखते थे x1, x2 फॉर एवरी। अगर यहाँ पे मैपिंग हम ले लेते हैं a टेंस टू b, तो पहला साइड जो होता है हम 1, 1 के लिए यूज करते हैं, तो पहला साइड x के लिए, तो यहाँ पर आपको पता है ये x1, x2 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले ही साइड में, क्योंकि 1, 1 के लिए पहला साइड हम यूज करते हैं। ये तो बात है एक्सरसाइज 1.2 की, जितना हमने यहाँ पर बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको दो मैपिंग गिविन देख रहे हैं, इसके लिए आपको फार्मूला लिख देना है, क्योंकि गिविन है ना 1, 1 फंक्शन, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पर दो मैपिंग है, आपको इसके लिए अलग लिखना है और इसके लिए अलग, क्यों गिविन है ना इसीलिए। तो जब इससे लिखोगे तो पहला सेट आपको पता है x के लिए होता है, ठीक है, और बाद वाला सेट क्या होता है y के लिए, यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b सेट है, तो आपको क्या लिखना है y, क्योंकि सेम टू सेम है ना,
फिर इसे क्या देना है, जेड। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया है आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो पहला सेट होता है यक्स के लिए, ठीक है, बाद वाला सेट वाई के लिए, फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम, तो ये सेट वाई के लिए है, इसीलिए जी मैपिंग में आपको वी जो है वाई के लिए ही रखना है। फिर लास्ट में क्या है, सी, तो ए बी हो गया, अब सी किसके लिए हो जाएगा, जेड के लिए, ठीक है। ये आपको समझाया है, पेपर में ना लिखना, ये तो एरो करके आपको बता दिया समझाने के लिए कि आपको फार्मूला कैसे लिखना है, बन वन के लिए गिविन है ना, तो आपको लिखना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं, जब फंक्शन एफ से लिखोगे बन वन के लिए, तो एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, अगर ये एफ जो मैपिंग है, मीन्स फंक्शन एफ क्या है, बन वन है, तो दोनों साइड से फंक्शन एफ हट जाता है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो एक्स वन है तो एक्स वन लिखना है, और यहाँ पर एक्स टू लिखना है, फंक्शन दोनों साइड से हटा देना है, क्योंकि फंक्शन एफ क्या है, बन वन है ना, तो एक्स वन इक्वल एक्स टू, फिर फॉर एवरी के बाद एक्स वन कामा एक्स टू, ये दो एलिमेंट पहले सेट में ही यूज होंगे, क्योंकि वन वन के लिए पहला सेट हम यूज करते हैं, ठीक है। या अब फंक्शन जी के लिए आपको लिखना है, ये गिविन है, इसीलिए यहाँ पर बॉक्स नहीं लेना है, क्योंकि आंसर शीट जब निकालेंगे तो वहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है, ये तो गिविन है, ठीक है। अब आपको सेम टू सेम जैसे फंक्शन एफ के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही आपको फंक्शन जी के लिए लिख देना है, वन वन के लिए कैसे लिखोगे, यहाँ पे बाई है ना, जी के पास बाई है, जैसे यहाँ पे एक्स के पास में एफ है, तो एफ एक्स वन लिखा था इक्वल एफ एक्स टू लिखा था, लेकिन जी के पास क्या है, बाई है, तो जी वाई वन इक्वल जी वाई टू लिखना आप लोग, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको समझना है, अगर जी जो है ये फंक्शन बन वन है, तो दोनों साइड से जी हट जाता है, क्या आएगा, यहाँ पर बाई वन है तो बाई वन लिख देना है, और इस साइड वाई टू है, फिर इसके बाद फॉर एवरी वाई वन कामा वाई टू, ये दो एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि बन वन के लिए पहला सेट हम यूज करते हैं, ये तो गिविन है, ठीक है। अब बात आती है आपको प्रूव करना है, यहाँ पे लिखा सो दैट, इसका मीन्स यही है, आपको प्रूव करना है जी कंपोजिशन एफ वन वन फंक्शन। देखो कैसे प्रूव करोगे आप लोग, नाउ, नाउ के बाद आपको कामा दे देना है, ये भी आपको सीख लेना है मैथ में, जब भी नाउ लिखो कामा लगा लेना। अब आपको क्या करना है, जी कंपोजिशन एफ, ठीक है, दोनों साइड में आपको ऐसे करके ले लेना है, क्योंकि आपको जब गिविन है फंक्शन एफ में और फंक्शन जी में वन वन, तो आपने क्या किया, फंक्शन एफ के लिए दोनों साइड में एफ रखा, फंक्शन जी के लिए दोनों साइड जी रखा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड में रखना है, फिर यहाँ पे वेरिएबल आपको लेना है। अब वेरिएबल कैसे लोगे हम आपको बता देते हैं, वेरिएबल ऐसे लेना है जी कंपोजिशन एफ की जो मैपिंग है, यहाँ पे देखो ए जो है साइड किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे देखो गिविन में क्या है, एक्स के लिए, तो एक्स लिख देना, और जो बाद वाला जो है सी किसके लिए है, जेड के लिए, तो यहाँ पर ऐसे करके जेड, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा ना करना, ठीक है, डायरेक्ट लिखना आप लोग ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर वेरिएबल लेना है, तो आपको पता है वन वन के लिए पहला सेट यूज करते हैं, तो पहले सेट में पहला सेट किसके लिए है, वेरिएबल एक्स के लिए है ना, तो जी कंपोजिशन एफ जो है एक्स पर काम करना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स वन और एक्स टू, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, कैसे सिंप्लीफाई होता है हम आपको बता देते हैं। ये एक्स वन किसे देना है, वेरिएबल एफ को देंगे, तो ये कंपोजिशन हट जाता है, देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे ही कंपोजिशन हटेगा आपको ब्रेकेट ले लेना है, अब ब्रेकेट में क्या लिखना है, एफ एक्स वन, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है, फिर जैसा इस तरफ लिखा ऐसे ही उस तरफ लिखेंगे। देखो एक्स टू आपको किसे देना है, फंक्शन एफ को देना है, तो ये कंपोजिशन हट जाता है, जब कंपोजिशन हट जाता है तो आपको बड़ा ब्रेकेट लेना है, ब्रेकेट में क्या लिखना है, एफ एक्स वन मीन्स एफ एक्स टू लिखो, जो यहाँ पे वही लिखा जाता है। अब इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करोगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखो जी दोनों साइड है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड है, अगर ये वन वन है जी, तो आपको दोनों साइड से क्या हटा देना, जी, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वही आपको लिखना पड़ता है। अब आपको
इसी की तरह आपको यहाँ पे लिखना है, दोनों साइड से जी हटा देना है। क्यों? जी क्या है? वन वन फंक्शन है। तो जब दोनों साइड से हम हटा देंगे, जी वन मीन्स जी हटा देंगे, तो आपको ऐसे करके लिखना है और आपको बता देना है जी इज वन वन, वन वन फंक्शन। और ये भी लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग है ना जी की, फंक्शन की जो गिविन होते हैं सेट, वही आपको लिखना है बी टू सी। तो ऐसे करके आपको लिख देना है, सामने लिखना है क्योंकि दोनों साइड से जी हटा दिया है। जो गिविन है इसी की तरह आपको यहाँ पर करना है काम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब एक लाइन या दो लाइन और आगे लिखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है दोनों साइड क्या है, फंक्शन एफ है। यहाँ पे देखो दोनों साइड क्या है, फंक्शन एफ है। अगर यह फंक्शन वन वन है तो दोनों साइड से क्या हट जाता है, एफ हट जाता है। जो यहाँ पे होता वही लिखा जाता है। देखो तो आपको क्या करना, दोनों साइड से यह फंक्शन जो है हटा देना है। तो आपको क्या लिखना है, एक्स वन इक्वल एक्स टू। तो यहाँ पर आपको बता देना है एफ इज वन वन फंक्शन। फिर लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग है ना फंक्शन की, उसमें जो सेट गिवन होते हैं वही लिखना है ए टू वी, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख देना है। इसके बाद आपको पता है एक्स वन इक्वल एक्स टू, दोनों साइड से क्या हट गया, एफ हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि एफ क्या है, वन वन फंक्शन है। देखो यहाँ से एफ हट गया, इसी की तरह आपको यहाँ पर एफ हटा देना है। तो क्या आ गया, एक्स वन इक्वल एक्स टू आ गया। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। एक्स वन इक्वल एक्स टू, फिर आपको फॉर एवरी लिखना है एक्स वन कामा एक्स टू। ये दो एलिमेंट किसे बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना जी कंपोजिशन एफ, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसी की मैपिंग में देखना है। तो आपको क्या लिखना है, ए लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। बॉक्स ले लेना है क्योंकि ये आंसर सीट है। अब आपको दिख रही होगी कि अगर जी कंपोजिशन एफ क्या है, वन वन फंक्शन अगर है, तो जी कंपोजिशन एफ के पास में जो सेट है वो किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स वन इक्वल एक्स टू आएगा क्योंकि वन वन के लिए हम पहला सेट यूज करते हैं। तो ये जो जी कंपोजिशन एफ है इसे आपको प्रूफ करना है। तो आपको इतनी लाइन, लास्ट लाइन इतनी लाना है जो आपको दिख रही है आ चुकी है। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है जी कंपोजिशन एफ क्या होगा, वन वन होगा। तो आपको कैसे लिखना, हैंस यहां पे लिखो, हैंस जी कंपोजिशन एफ इज वन वन फंक्शन। फिर लिखना है आपको फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो सेट गिवन, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है। तो जी कंपोजिशन एफ में जो मैपिंग है, सेट क्या गिवन है, ए टू सी। तो यहाँ पर क्या लिखना, ए टू सी। इतना आपको एग्जांपल 18 में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। मेरी राय ये है, अगर स्क्रीन शॉट अगर आप लेते हो तो उससे बुद्धि का विकास नहीं होता है, इसीलिए आपको पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपने पेन से कॉपी पे नोट करते रहे तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आप लोगों का, तो हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके ही मैथ इंटर में 100 मार्क्स आएंगे। जितना हम बता दें उतना काम करो, और जितना यहाँ पर हम लिखते हैं इतना ही आप लोग लिखो। अगर आपने शॉर्ट करके लिखा तो आपके नंबर भी शॉर्ट आएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं जितना हम लिखें किसी भी क्वेश्चन में, कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना लिखें उतना आप लोग लिखो, तब हम वादा करते हैं आपसे कि आपके ही मैथ इंटर में 100 मार्क्स आएंगे।